नमस्कार बच्चों, हम कक्षा 11वीं का अध्याय 2 संबंध एवं फलन पढ़ रहे हैं। आज भी हम फलन के बारे में ही पढ़ेंगे। इससे पहले याद करते हैं कि हमने पिछले सत्र में क्या क्या पढ़ा। पिछले सत्र में हमने फलन की परिभाषा और उसके ही संदर्भ में प्रांत, सहप्रांत और परिसर पढ़ा था। कुछ खास फलन भी पढ़े थे, जैसे कि मापांक फलन, अचर फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, तत्समक फलन आदि। आज भी हम इस सत्र में सबसे पहले एक खास फलन बहुपदीय फलन से शुरुआत करेंगे, फिर हम परिमेय फलन पढ़ेंगे और वास्तविक फलनों का बीजगणित भी देखेंगे और इन्हीं सबके ऊपर आधारित प्रश्न भी देखेंगे। आइए सबसे पहले बहुपदीय फलन के बारे में पढ़ें। इसकी परिभाषा हमें क्या कहती है ध्यान देंगे। फलन f जो कि R से R तक है, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, f हमारा एक वास्तविक फलन है, एक बहुपदीय फलन कहलाता है यदि R का प्रत्येक x यानी हर एक संख्या के लिए हम fx बराबर में एक बहुपद लिखें, यानी a शून्य जमा a एक x जमा a दो x की घात दो जमा ऐसे करके हमने एक जो हमारा बहुपद है ए एन एक्स की घात एन, जहाँ ये जो एन है वो कौन सी संख्याएं ले रहा है, ऋणेतर पूर्णांक संख्याएं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और ए जीरो ए एक से लेके ए एन ये सारे के सारे जो संख्याएं हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वास्तविक संख्याएं से। ठीक, इसका उदाहरण अगर मैं लूं बहुपदीय फलन का तो आप देख सकते हैं ये मेरा एक उदाहरण है बहुपदीय फलन का। अगर मैं एच एक्स बराबर में ये लिखूं यानी एक्स की घात माइनस तीन माइनस में तीन, क्या ये एच एक्स मेरा बहुपदीय फलन है जिसे हम अंग्रेजी में पॉलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं, क्या ये एच एक्स मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है? नहीं। ध्यान देंगे इसकी घात यानी एक्स की घात माइनस तीन क्या है, माइनस में है, हमारी संख्या क्या होनी चाहिए, ऋणेतर पूर्णांक होनी चाहिए यानी सारी की सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारा बहुपदीय फलन नहीं है। आइए इस पे एक और उदाहरण देखें। हमने क्या लिया है, एक फलन लिया है एफ एक्स बराबर में एक्स की घात दो, ये एक्स हमारा वास्तविक संख्याओं से आ रहा है और ये जो एफ है हमारा एक वास्तविक फलन है। इस फलन का हमें प्रांत परिसर ज्ञात करना है, साथ ही इसका आलेख भी बनाना है। तो कैसे शुरुआत करें, आलेख बनाने के लिए तालिका बना लेते हैं। तो देखेंगे इधर सबसे पहले इस फलन का जो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रांत और परिसर। तो पहले मैं इस तालिका को पूर्ण करूंगी और फिर हम देख सकेंगे कि इसका प्रांत और परिसर क्या आ रहा है। तालिका में x अगर हमारा मान माइनस दो माइनस एक शून्य एक और दो और तीन ये मान लेगा तो मेरा फलन का मान क्या आएगा, माइनस दो एक्स की जगह लिखेंगे यानी माइनस दो की घात दो चार, माइनस एक की घात दो एक, शून्य की घात दो शून्य, एक की घात दो एक, दो की घात दो कितना आएगा चार, और तीन की घात दो कितना बना यानी तीन गुणा में तीन नौ। ठीक, इससे तो आप आलेख बना पाएंगे और इसी से आप देख भी सकते हैं कि हमारा प्रांत और परिसर क्या आ रहा है। प्रांत हमारा सारी वास्तविक संख्याएं हैं तो हमारा प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हुआ। देख सकते हैं हमारा जो प्रांत है एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिसे हमने R से डिनोट किया है यानी प्रतीक R लिया है। परिसर
हमारा आलेख से देख सकते हैं क्या है, शून्य से लेके इन्फिनिटी, जहाँ शून्य हमारा सम्मिलित है, यानी सारे ऋणेतर वास्तविक संख्याएं। साफ है, सारी की सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं और शून्य से लेके इन्फिनिटी तक, जहाँ शून्य हमारा सम्मिलित है। तो आइए इसका आलेख देखें क्या बनता है। ये हमारा आलेख बना, ध्यान देंगे, एक पे हमारा मान कितना था, एक, तो हमारा इस आलेख पे हमारा बिंदु आ रहा है, दो पे चार, ये भी देख सकते हैं आ रहा है, ये दो चार और ये एक और एक, इसी प्रकार हमारा ये भी बनेगा। बच्चों ध्यान देंगे, ये जो हमारा आलेख है कैसा बन रहा है, अगर मैं इस y अक्ष पे एक आईना रख दूं, यानी मिरर रख दूं, तो आप देखेंगे जो चतुर्थांश एक में जो आपका आलेख बना उसका पूरा प्रतिबिंब ही हमारा चतुर्थांश दो में आ रहा है, ठीक, यानी मिरर रिफ्लेक्शन आ रही है। प्रांत हमने देख लिया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और परिसर भी हमने देख लिया। आइए एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, हमारे पास एक बहुपदीय फलन दिया हुआ है fx बराबर में x घात 2 जमा 1। हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, यानी f3 माइनस f1 बटे में 3 घटा 1। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या करना होगा, हमें f3 का मान निकालना है, f1 का मान निकालना है, और निकालने के बाद इस व्यंजक में भर देना है। तो f3 यानी जहाँ जहाँ चर x है इस फलन fx में, वहाँ हम 3 डालेंगे, 3 की घात 2 बने 9 जमा 1 बराबर में 10। अब f1 बराबर में 1 की घात 2, x की जगह हमने 1 डाला, तो 1 की घात 2 बने 1 जमा में 1, तो कितना आया 2। अब हम इस दिए हुए व्यंजक में डाल के मान निकालते हैं, f3 10 घटा में 2 बटे में 2, 10 में से 2 घटाएंगे आए 8, और जब 8 को 2 से भाग करेंगे तो आया 4। तो देख सकते हैं हमारे इस व्यंजक का मान कितना निकला, 4। आइए अब अगला फलन पढ़ें, जिसका नाम है परिमेय फलन। इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, fx बटे में gx एक प्रकार का फलन है, जिसमें fx तथा gx का एक ही प्रांत है, यानी दोनों का प्रांत समान होना चाहिए, वह x में ही परिभाषित है, और जो fx और gx है वह दोनों ही बहुपदीय फलन है। ध्यान दीजिए, जो हमारा gx है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, यह आपको पता ही है, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर हो गया तो वह परिभाषित नहीं रहेगा। अब इसके लिए हम एक उदाहरण में एक फलन लेते हैं, fx बराबर में 1/x, जहां x क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, देख लिया। अब इसका प्रांत क्या होगा, ये f हमारा जो फलन है कौन कौन सी संख्याओं पे परिभाषित है, ध्यान देंगे, क्या ये सारी की सारी वास्तविक संख्याओं पे परिभाषित है, नहीं, x पे तो नहीं है, बिल्कुल सही, हमारा जो प्रांत है वो शून्य के अतिरिक्त समस्त जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं उस पे परिभाषित है। तो हमारा प्रांत क्या हुआ, पूरी वास्तविक संख्याएं, पर इसमें शून्य नहीं है। ऐसे ही हमारा परिसर भी अगर आप ज्ञात करेंगे तो देख पाएंगे जो हमारा परिसर है वह भी प्रांत के बराबर है। इसका आलेख जब आप खींचेंगे तो यह पाएंगे, देख सकेंगे, जब मैं 1 भरती हूं तो मेरा मान 1 ही आता है, अगर मैं 2 भरती हूं तो fx क्या है, 1/x, तो 1/2, तो यानी अगर मैंने 2 लिया
तो एक बटा दो दिख रहा है, आधा आ रहा है इसका। और ये वाला हमारा बिंदु है एक और एक। ध्यान देंगे जैसे जैसे हम x को बढ़ाते रहेंगे ये जो मेरा आलेख है वो x अक्ष के पास और समीप आता जाएगा, पर कभी भी काटेगा नहीं। ठीक ऐसे ही जैसे ही हम x को घटाते जाएंगे तभी भी हमारा जो x का जो हमारा जो आलेख है वो x अक्ष के समीप आता जाएगा पर फिर भी काटेगा नहीं। तो इस आलेख से ही आप देख सकते हैं कि हमारा प्रांत क्या है, पूरा का पूरा वास्तविक जो संख्याएं हैं उसका समुच्चय, पर शून्य नहीं है और परिसर भी बराबर है। ध्यान देंगे इस आलेख को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे बढ़े। अभी तक हमने कई फलन पढ़े, ये फलन अगर आप देख सकेंगे ये दो फलनों का क्या है, गुणांक है। यानी अगर हम दो फलन को गुणा कर दें तो कुछ ऐसा मिलेगा। अगर हम किसी फलन के साथ अदिश यानी एक स्केलर क्वांटिटी को गुणा करें तो हमें एक ऐसा आलेख मिलेगा। अगर हम दो फलनों को क्या करें, जमा कर दें तो कुछ ऐसा फलन मिलेगा। और ये हम देख ही रखे हमने, यानी क्या कर दें, भाग कर दें। तो कुछ आपको अंदाजा लग रहा होगा कि हम किस विषय में बात करने जा रहे हैं। देखेंगे हम वास्तविक फलनों का बीजगणित के बारे में बात कर रहे हैं। बीजगणित यानी एलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास दो फलन है एफ x से r तक, g x से r तक। वास्तविक फलन है तो आप समझ सकते हैं ये जो x है ये हमारा उपसमुच्चय है किसका, r का। ठीक, r यानी वास्तविक संख्याएं। अब सबसे पहले हम देखेंगे दो वास्तविक फलनों का योग यानी जमा। इन सबको समझाने के लिए हम एक उदाहरण ले लेंगे। मान लेते हैं f हमने ले लिया x और gx को हम मान लेते हैं 3। ये हमारा तत्समक फलन हो गया और ये हमने ले लिया एक अचर फलन। अब देखेंगे सबसे पहले दो वास्तविक फलनों का योग तो ये किसके बराबर होता है, f जमा g। अगर हम इसका x निकालते हैं यानी इसका प्रतिबिंब निकालना हो तो किसके बराबर होगा, fx जमा में gx। यानी हम f के अंतर्गत x का प्रतिबिंब निकालेंगे, g के अंतर्गत हम x का प्रतिबिंब निकालेंगे और फिर दोनों प्रतिबिंबों को जमा कर देंगे। उदाहरण देख ले, f जमा g। ठीक, अगर मुझे मान निकालना है किसका, मान लेते हैं दो का, तो क्या रहा, इसका निकालना है तो क्या रहेगा, इसके अंतर्गत मेरा मान कितना आएगा, f दो का दो और g के अंतर्गत यानी जो g फलन हमने लिया था उसके अंदर दो का मान किसके बराबर आएगा, g दो का 3, क्योंकि वो हमारा अचर फलन है, तो बराबर मिला 5। ठीक, और हमारा ये फलन क्या बना, यानी f जमा में g फलन x जमा में 3। इसमें भी आप डालेंगे दो तो भी आप देख सकते हैं क्या निकला, 5। समझ में आया हमने कैसे करा दो वास्तविक फलनों का योग। इसी प्रकार हम बाकी भी देखेंगे। एक वास्तविक फलन में जब हम दूसरे फलन को घटाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमने योग किया f माइनस जी एक्स, तो ये हमारा अगर हम f हमारा x है g हमारा 3 है तो क्या बना, यहां लिख लें ये हमारा x घटा में 3। ठीक, और बराबर में fx माइनस gx, यही आप देख सकते हैं यही बनेगा और उत्तर भी निकालें
x का किस पे अगर दो पे जो हमने पहले संख्या ली थी तो भी बराबर ही आएगा। दो में से तीन घटाएं, आया हमारा माइनस एक। अब f की यानी f फलन का अगर हम दो के अंदर f फलन के अंदर दो का प्रतिबिंब देखें तो क्या बनेगा, दो। और इसमें से g फलन का दो का प्रतिबिंब घटा दें तो क्या बनेगा, तीन। तो यानी दो में से फिर हमने तीन घटाया, फिर हमें मिला माइनस एक। ठीक, ध्यान रखेंगे x हमारा कहाँ से आ रहा है, प्रांत में। ये प्रांत दोनों फलनों का बराबर है। अगर ये अलग है और ये अलग है तो हम दोनों का जो उभयनिष्ठ जो हमारा प्रांत होगा वो लेंगे। अब अगला देखते हैं, दो वास्तविक फलनों का गुणन। f गुणा में जी एक्स बराबर हो गया एफ एक्स गुणा में जी एक्स। अब तो आप समझ ही गए होंगे हमें कैसे करना है। एक आदिश से गुणा करना है, आदिश यानी स्केलर। ठीक, तो के एफ के हमने क्या करा, किसी भी फलन को एक आदिश के से गुणा करने पर जब हम उसके प्रतिबिंब देखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, एफ फलन के जो एक्स का प्रतिबिंब होगा उसको अगर हम आदिश के से क्या कर दें, गुणा कर दें। ठीक, ये एक्स हमारा एक्स में से आ रहा है, कैपिटल एक्स में से यानी प्रांत में से, और के हमारा कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी हम वास्तविक संख्या ले सकते हैं। जैसे कि इस फलन f में मान लेते हैं मैं आदिश क्या लूं, कोई भी ले सकते हैं आप, माइनस एक ले लेते हैं। तो ये माइनस एक f x किसके बराबर होगा, माइनस एक f x। यानी अगर मुझे मान निकालना है, वही संख्या दो हम लेके चल रहे हैं, अगर मैं इस वाले फलन का दो का मान निकालती हूँ यानी दो का प्रतिबिंब देखती हूँ तो ये इसके बराबर होगा। तो मैं माइनस एक गुणा में दो का प्रतिबिंब किसके अंदर, फलन f में देखूंगी, और दो का प्रतिबिंब फलन f में दो ही आ रहा है, उसको गुणा करते हैं माइनस एक से तो हमारा उत्तर क्या बना, माइनस दो। आखिरी, दो वास्तविक फलनों का भागफल, यानी हमने भाग किया। ये बिल्कुल परिमेय फलन की तरह ही है, f बटे में g x बराबर में एफ एक्स बटे में जी एक्स। यानी हम इस x का जो प्रतिबिंब आएगा भागफल के फलन में वो क्या करेंगे, x का प्रतिबिंब f फलन में बटे में x का प्रतिबिंब g फलन में। हमें क्या होना चाहिए, क्या पता रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो g है वो हमारा उस चर x पे शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, जो भी हमने x का मान भरा है उसमें हमारा बस ये याद रखें जो g x है वो शून्य नहीं होना चाहिए। आइए अब इस पे एक उदाहरण देखें। इस उदाहरण में हमारे पास दो फलन दिए हुए हैं, एफ एक्स बराबर में x का वर्गमूल और जी एक्स बराबर में x। इसका प्रांत हमें ऋणेत्तर वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं और हमें ज्ञात करना है इन दो फलनों का योग। इन दो फलनों को जब हम घटाते हैं, इनको जब हम गुणा करते हैं और जब इनका भागफल निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे, याद करें हमने क्या पढ़ा था, f जमा में g x किसके बराबर होगा, एफ एक्स जमा में जी एक्स के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वर्गमूल x जमा में x। ध्यान रहे जो x कहां से आएगा, प्रांत
जो हमें दिया हुआ है। और ये प्रांत देख पाएंगे आप, ये दोनों का प्रांत है। ये नहीं कि ये जो प्रांत है वो केवल एफ के लिए प्रांत है, और ये जो हमें आर प्लस यूनियन जिसके अंदर हमारा जीरो भी आ रहा है वो हमारा केवल जी के लिए नहीं, ये प्रांत हमारा दोनों के लिए प्रांत दिया हुआ है। अब दूसरा एफ घटा में जी एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स माइनस जी एक्स के। तो ये किसके बराबर हुआ, वर्गमूल एक्स में से जब एक्स को घटाएंगे। ठीक, इसी प्रकार हम बाकी भी निकालेंगे। आइए देखते हैं, पहले दो तो हमने देख लिए, तीसरा देखेंगे। एफ एक्स को हमने जी एक्स के साथ गुणा किया, यानी वर्गमूल एक्स को एक्स के साथ गुणा करेंगे, तो इसकी एक्स की घात क्या बन गई, 3/2। अब आखिरी एफ और जी का भागफल, एफ एक्स बटे में जी एक्स, यानी ये जो दोनों हमारे फलन दिए हैं उनका हम भागफल निकालेंगे। कैसे प्रांत में, जिसमें जो हमारा फलन है परिभाषित हो। तो क्या निकला, एक्स कैसे लिख सकते हैं हम इसको, यहां देखेंगे, वर्गमूल एक्स का बटे में एक्स। ठीक, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, यही आप देख सकते हैं, एक्स जिसकी घात -1/2 है। ध्यान देंगे अब इसका प्रांत अलग हो गया, एफ बटे जी का जो हमारा नया भागफल करके जो फलन आया, इसका प्रांत केवल कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज यानी रियल नंबर्स लेगा ये। ठीक, अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं पूरे के पूरे अध्याय पे आधारित। सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें x का मान ज्ञात करना है जब हमारे पास दो फलन हैं fx और gx, और वो कैसे फलन हैं, समान फलन है यानी बराबर है। तो आइए इसका हल देखें, दोनों के दोनों फलन हमारे कैसे हैं, समान बराबर। तो यानी जो भी हम x यानी संख्या डालते हैं तो दोनों का मान बराबर आना चाहिए, यानी fx बराबर में gx, जहां सारी की सारी x हमारी कौन सी संख्याएं ले रहा है, वास्तविक संख्याएं। यही हम सामने रख देंगे, 4x^2 + 1 = किसके हो जाएगा, 8x - 3 के। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे, देखेंगे कैसे आया, 4x^2 - 8x (1, 3) = 0। तो ये क्या मिला, 4x^2 - 8x (4) = 0। ठीक, इस पूरे बीजे व्यंजक में से हम चार क्या ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया और हमें क्या मिला, ये मिला, देख सकते हैं, 4 बाहर लेने पर हमारे पास क्या मिला, 2x^2 = 1। ठीक, यही मिला। और ये देख सकते हैं हमारा फॉर्मूले के अनुसार ये हमारा किस में परिवर्तित हो गया, x - 1/2 जो कि बराबर है 0 के। अब आप आराम से देख सकते हैं कि इस समीकरण का हल क्या है, इस समीकरण का हल x = 1 आ रहा है, यानी x का मान 1, और वही हमें निकालना था, क्या निकालना है, x का मान। आइए अब अगला प्रश्न देखें, ध्यान देंगे हमारे पास एक संबंध f दिया हुआ है और उसको कैसे परिभाषित किया है, fx = जब हमारी संख्या 0 और 4
यानी शून्य और चार के बीच में होगी और शून्य और चार भी हो सकती है। तो हमारा संबंध कैसा होगा? x की घात 2, यानी जो संख्या है वो अपने से ही गुणा हो जाएगी। अगर संख्या 4 से बड़ी है या फिर उसके बराबर और 10 से छोटी है तो संबंध क्या रहेगा? संख्या का 2 गुणा हो जाएगा। प्रश्न है, ज्ञात करें जो हमें संबंध दिया है क्या ये फलन है या नहीं। देखते हैं, गौर से देखिए, शायद आप पहचान गए होंगे ये फलन है या नहीं। बिल्कुल सही, ये फलन नहीं है। कैसे नहीं है देखते हैं। ध्यान देंगे, जब हमारा संख्या क्या है 4 होगी तो हमारे पास 2 संबंध दिए हुए हैं और दोनों संबंध में अलग अलग संख्या आ रही है। इसका मतलब 4 के 2 प्रतिबिंब हैं। देख सकते हैं 4 के 2 प्रतिबिंब आ रहे हैं, पहले संबंध के अनुसार 16 और दूसरे के अनुसार 8। ठीक, और हम जानते हैं किसी भी फलन की परिभाषा ही क्या है कि सबसे पहले हमारे कोई भी अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। इसीलिए ये हमारा केवल संबंध है और फलन नहीं। ध्यान देंगे इस बिंदु पर, अगर मैं संबंध f को परिवर्तित कर दूं और इसको 2x जमा में 8 कर दूं, तो आप ये पाएंगे जो 4 का प्रतिबिंब है वो एक ही रहेगा और वो क्या रहेगा? 16। तो ये पूरा संबंध जो है हमारा f, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? फलन में, यानी वो संबंध हमारा फलन होगा। ठीक, आइए अब एक और सवाल लें। हमारे पास कुछ फलन दिए हुए हैं, हमें इन सभी फलनों का प्रांत ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले फलन लेते हैं, fx बराबर में महत्तम पूर्णांक फलन जमा में तत्समक फलन। ठीक है, यानी ये जो हमारा fx है ये हमारे 2 फलनों का योग है। तो ध्यान देंगे ये बहुत ही सरल है, इसका प्रांत क्या होगा? हमारा महत्तम पूर्णांक जो फलन है इसका प्रांत क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और तत्समक फलन का भी प्रांत वही है, तो fx का भी हमारा प्रांत कितना हुआ? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आइए अब इसका हल देखें। आप देख सकते हैं h फलन का जो प्रांत आएगा वह सारी वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें ये वाली वास्तविक संख्याएं नहीं आएंगी, यानी सारी वास्तविक संख्याएं पर उसमें 0, पाई, 2π, 3π ये सारी की सारी संख्याएं हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ध्यान देखेंगे, जो हमारा फलन hx है वह परिभाषित नहीं है। कब परिभाषित नहीं है? जब 1 माइनस cos x का अगर हम वर्गमूल लें और अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो ये परिभाषित नहीं है। तो यानी ये हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जो cos x है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और cos x 1 के बराबर कब कब होता है? 0, पाई, 2π, 3π ऐसे ही लेते रहेंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं जो प्रांत है वह सारी की सारी वास्तविक संख्याएं पर उसमें से ये सारी वास्तविक संख्याएं यानी 2n पाई, जो n है वो पूर्णांक संख्याएं हैं, ये सारी वास्तविक संख्याएं हम हटा देंगे। अब अगला फलन देखेंगे kx। इसका भी प्रांत आसान है, ये भी आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ हमारा x की घात 2 घटा में 4 शून्य ले रहा होगा वो हमारी सारी जो संख्याएं हैं हम इसमें से हटाते रहेंगे। किस में से हटाएंगे? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से। तो आप देख पाएंगे जो k फलन का प्रांत है वह r
इसमें से जब हम माइनस दो और दो को घटाते हैं। ठीक, आइए अब अगला प्रश्न देखें। इस प्रश्न में हमें दो फलन दिए हुए हैं एफ एक्स और एच एक्स, और अब हमें इन दोनों फलनों का परिसर ज्ञात करना है। ठीक, तो शुरुआत कैसे करें देखेंगे। हम फलन ही बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे ये हमारा क्या है, मॉड्यूलस में एक्स माइनस तीन। सबसे पहले फलन देखें, एफ एक्स किसके बराबर है, एक घटा में मॉड्यूलस एक्स माइनस तीन, यानी मॉड्यूलस एक्स माइनस तीन का मान कैसा आएगा, मापांक मान आएगा, यानी सारे के सारे जो धनात्मक संख्याएं हैं वो होंगी, यानी सारी की सारी शून्य से या तो बड़ी होंगी या उसके बराबर हो सकती हैं। ठीक, अगर हम घटे का साइन लगाते हैं तो यानी सारी संख्याएं शून्य से छोटी होंगी या फिर उसके बराबर हो सकती हैं। अब ये पूरा का पूरा एक से घटाएंगे तो हम देख सकते हैं ये मुझे पूरा अपना फलन एफ एक्स मिल गया, और एफ एक्स हमारा क्या है, एक से या तो छोटा है या इसके बराबर। तो यानी आप देख सकते हैं हमारे पास परिसर मिल गया, और परिसर अगर मैं अंतराल रूप में लिखूं तो आप देख सकते हैं वो मुझे मिला माइनस इन्फिनिटी से लेके एक तक, जहाँ एक मेरा अंतराल में सम्मिलित है। अब दूसरा फलन देखते हैं। दूसरा फलन एच एक्स क्या दिया हुआ है, एक जमा में तीन कॉस थ्री एक्स, यानी एक जमा में तीन कॉस तीन एक्स। इसको भी हम उसी प्रकार चलेंगे। सबसे पहले आपको ये पता है जो कॉस एक्स का मान होता है वो क्या रहता है, माइनस एक और एक के बीच में, तो वही ले लिया। कॉस तीन एक्स का मान हमारा किसके बीच में रहेगा, माइनस एक और एक के बीच में। माइनस एक और एक भी ले सकता है, इसलिए हमने बराबर का साइन भी लगाया है। अब तीन से गुणा करने पर तीन कॉस एक्स तीन एक्स का मान किन दो संख्याओं के बीच में रहेगा, माइनस तीन और तीन के बीच में। ठीक, अब हमें यहाँ फलन बनाना है अपना एच एक्स, तो ये बन गया एक जमा में तीन कॉस तीन एक्स, यानी हमने क्या किया, एक जमा कर दिया। यहाँ पे एक जमा करने पर हमें मिला माइनस दो, ये बन गया हमारा एच एक्स, और तीन में एक जमा करने पर मिल गया चार। तो दिख रहा है हमारा परिसर क्या बना, अंतराल माइनस दो से चार तक, जहां माइनस दो भी सम्मिलित है और चार भी सम्मिलित है, यानी एक बंद अंतराल मिला माइनस दो से चार तक। ठीक है बच्चों, तो आइए जल्दी से हम देखते हैं कि हमने अपने इस आज के सत्र में क्या क्या पढ़ा। आज के सत्र में सबसे पहले हमने कुछ खास फलन पढ़ा, यानी वो क्या नाम था, बहुपदीय फलन, जिसे हम अंग्रेजी में पॉलीनोमियल फंक्शन भी कहते हैं। फिर हमने परिमेय फलन पढ़ा, जिसे हम अंग्रेजी में रैशनल फंक्शन कहते हैं। और क्या क्या पढ़ा देखेंगे। हमने वास्तविक संख्याओं के प्रांत वाले फलनों का बीजगणित पढ़ा, यानी वास्तविक फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। और आखिरी में सारे जो हमने क्या पढ़े थे, इस पूरे अध्याय के ऊपर आधारित हमने प्रश्न भी लिए। तो आशा करती हूँ आपको इस सत्र में आनंद आया होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।